सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान इन हालात में पहुंचा कैसे, हाँ ठीक है ना। तो मैं क्यों इसके है? ऊपर, हाँ मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ कि पाकिस्तान इन हालात में पहुंचा कैसे। ठीक है तो सबसे पहले तो इस बात को समझने से पहले हमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि डॉलर्स पाकिस्तान में आते कैसे, क्योंकि ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे है। भी पता, मुझे भी हाँ, पता। तो पाकिस्तान में डॉलर्स मेनली चार बेस से आते हैं। अच्छा पहला तरीका है आपकी एक्सपोर्ट्स, यानी जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं, सही है, मैन्युफैक्चर करते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चीज़ें हमारे पास हैं ऑलरेडी और हम बाहर ममालिकों को बेच देते हैं, तो वहां से जो पैसा आता है वो डॉलर्स की सूरत में आता है। एक्सपोर्ट जो करते जी, हैं। एक्सपोर्ट ठीक है कहलाती है। ये हो गया एक तरीका जिससे डॉलर्स आते हैं। सही है, दूसरा तरीका होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस वो अमाउंट होती है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के ममालिकों में, और वहां पर जाकर जो पैसा कमा रहे हैं वो पाकिस्तान वापस भेजते हैं। ये दूसरा तरीका हो टैक्स की गया। सूरत में। ठीक टैक्स की सूरत में नहीं, जैसे यहाँ पे बाहर गए हैं लोग और है बाहर जाके कमा जो रहे ना वो वापस जो पाकिस्तान भेज रहे हैं पैसा, तो ये दूसरा तरीका हो गया सर रेमिटेंस का। ठीक है तो ये हो गया रेमिटेंस। अब आ जाए तीसरे तरीके के ऊपर, और तीसरा तरीका जो है वो होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। FDI। ठीक एफडीआई, फॉरेन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि बाहर के जो इदारे होते हैं या जो ममालिक होते हैं वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देना चाहिए, ठीक है। ठीक तो है ये जो एफडीआई होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है कि काफ़ी जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बाहर से कंपनी आएंगी पाकिस्तान में, सही वो है। इन्वेस्ट करेंगी, बड़े बड़े प्लांट्स खुलेंगे, जॉब्स पाकिस्तानी होगी आएंगी, ठीक है। तो एफडीआई का जो फायदा है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो चौथा और आखिरी तरीका है जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं वो होता है डेट, लोन, कर्जा, लोन ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पिछले जो तीन चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही डाउट पर है, और जो चौथा रीजन, चौथा जो हमारा वे है डॉलर्स को बाहर से लेकर आने का, कर्जा, वो हम लोगों ने उसको इतना ज्यादा चढ़ा लिया अपने सबसे ऊपर, ऊपर पीक पर है। बिल्कुल पीक पर है वो। ठीक है और यही वजह है कि हम लोग जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तो अच्छा, यह हमें समझ आ गया कि भाई चार तरीकों से पैसे आ रहे हैं। सही है। अब हमें समझ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, ठीक है समझ आ गया पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट, मतलब मतलब कैसे क्यों है इस वहां कंडीशन इस में? हालात में क्यों हो गया। हाँ और यहाँ पे एक और बात समझने वाली कि पाकिस्तान इस हालात में अब नहीं आया, पाकिस्तान काफी तवील अरसे से इन हालात से गुजर, ठीक अच्छा, है। तो ये अब लेकिन हाईलाइट क्यों क्यों इसलिए आता है। सर, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि पहले से इतना चलता रहा है। बहुत ज्यादा मामला तो खराब हो गया, हाँ हर भाई, चीज उसकी में मैं रेट उसकी काफी हाई जा बिल्कुल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी सबसे बड़ी, देखिए मैं एक एक करके उसके ऊपर आता हूँ। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात अब क्यों पैदा हुए, ठीक सही है है, ना। एक अरसे से हम लोग चुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के हालात खराब हैं, ऐसा ही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब 2020 में ना फ्लड आया, जी। सैलाब, और सैलाब 2020 में, 2021, 2022 2022, में, सॉरी 2022 में, 2022 में जो सैलाब आया, सैलाब के आने से पाकिस्तान को ना सिर्फ माली नुकसान हुआ, ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान को जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर तो समझ आ गया होगा सही लोगों है, को, क्यों हमारी जो असल में जो एक्सपोर्ट है ना, वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा हाँ, है। वो 70%+ जो है हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, सही है ठीक है ना। और जो उसके अलावा आपका अलग अलग जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं ये भी समझा देता हूँ। एक ऐसी एक कोई चीज़ हो, इक्विपमेंट ले लें या रकबा ले लें, या एक अमाउंट ऑफ जिसे कहा जाएगा कि स्पेस, जगह ले एक लें। जगह ले लें, ठीक ठीक है है, जिसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री आकर अपने जो ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्लांट कर सके, अपना हिसाब किताब वहाँ पे डेली ऑपरेशंस और वेन्यू कह लो फैसिलिटीज, आप, एक वेन्यू कह सकते हैं, एक जगह। हाँ काइंड ऑफ जगह, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, रोड भी हो सकते हैं, सही है समझ गए होंगे, ठीक है ना, प्लांट्स वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जो एग्रीकल्चर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अब जो है हमारा बिल्कुल तबाह हो गया ये फ्लड की आपके वजह से। फ्लड ठीक की वजह से। है और जो फ्लड की वजह से ये सब चीज़ें तबाह हुई, इसकी वजह से ऑब्वियसली जो इस साल जो हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे, जो एग्रीकल्चर कंप्लीट होती है और फिर जो प्रोसेस कंप्लीट होता सही है है, जो एक्सपोर्ट, वो इस साल एक्सपोर्ट ऑब्वियसली वो सब तबाह हो गया, तो हम कुछ कर नहीं सके, वही नहीं। हुआ नहीं। इस वजह से एक बहुत बड़ा जो डिक्लाइन आया पाकिस्तान के ऊपर वो ये था कि हमारी 70%+ की जो एक्सपोर्ट्स थी वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, ये सही दैट इज मेजर प्रॉब्लम। इस वजह से पाकिस्तान ये लास्ट ईयर से ज्यादा इसी वजह से बोला जा रहा है इसके ऊपर, ये टॉपिक इकोनॉमी का टॉपिक इससे पहले कभी नहीं हुआ इतना ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन इसकी वन ऑफ द बिग रीजन ये थी। अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है कि मतलब पाकिस्तान में अगर आप तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, ऐसा ही है, ठीक सही है। बात है। अब क्यों नहीं किया वो एक अलग मैटर है, हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम जिस मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि इस ना होने से, टेन्योर को कंप्लीट ना होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सही है, वन बाय वन। हाँ, जिसमें से नंबर वन मेजर दो तीन ही है, उसके अलावा तो बहुत सारे होंगे लेकिन हम दो तीन के ऊपर बात करते हैं। पहला ये है कि देखें, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है ना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी एफडीआई ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। इसको समझने के लिए बड़ी छोटी सी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आप, मैं बिरयानी की दुकान खोलना चाह रहा हूँ, ठीक तुम है इन्वेस्टर हो,
ठीक है ना, मैं गया तुम्हारे पास कि सर मेरे पास ना ये पिच, ये मैं आपको पिच कर रहा हूँ, ठीक है ना, पिच कर दी मैंने अपनी आपको, और मैंने तमाम चीजें समझा दी कि ये जो रिजल्ट आ सकते हैं, ये नंबर तुम्हें शेयर कीजिए, तुम इंटरेस्टेड हो भाई, सॉलिड बंदा काम कर, बंदा काम कर, ये हो जाए, ठीक है, समझ गया। तो अब हमने क्या किया कि स्टार्ट कर दिया, तुमने पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट दिया, कर दिया, ठीक ठीक है ना। अब जैसे इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, मैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद तो मैं कहता हूँ कि सर बिरयानी छोड़ दें, हालांकि बिरयानी हमसे सामान ले रही, और हम बोलते बिरयानी छोड़ दें, ठीक है, मैं ना यहाँ पे निहारी कर लेता। हाँ? तुम जो तुम कंफ्यूज हो गए ना भाई, एकदम से क्या हो गया तुझे, पैसे मैंने बिरयानी पे लगा, निहारी की बात एग्जैक्टली ठीक है, चेंज हो गया ना। इसी तरीके से मैं बोलोगे नहीं मैं, अच्छा 2 हफ्ते बाद तुम बोलोगे मैं बिरयानी भी करूंगा निहारी भी करूंगा, तो अगर तुम इतना कंफ्यूज हो गए तो इन्वेस्टर जो होगा ना वो बोलेगा कि भाई तू छोड़ दे, तू रहने दे, मैं किसी और पे इन्वेस्ट कर दूंगा, सही है, ठीक है, उसे अपना पैसा भी आ रहा है, वो आपके ऊपर पैसा लगा रहा है क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए। तो ये जो विजन का लैक ऑफ विजन जो है, इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर है वो अपने हिसाब से लेकर चल रहा है, ठीक है ना, लीड कर रहा है वो, अब सडनली उसको यही नहीं पता है कि भाई वो अगले दिन उसकी हुकूमत चली जाएगी, तो कोई विजन नहीं बना, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग होती है लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले दिन हुकूमत गिर जाएगी। एग्जैक्टली प्लानिंग हुई भी है लेकिन अब जब दूसरी हुकूमत आएगी तो उसकी प्लानिंग की जो है ऐसी की तैसी यस, वो ऐसी की तैसी हो जाएगी। और जब वो अगली हुकूमत आएगी, चलो अगली हुकूमत आ गई है, अगर वो अगली हुकूमत आकर उसको लेकर इस तरीके से चल रही है जो पिछले वाले का विजन है, मैं उसी को आगे बढ़ाएंगे, हाँ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो अपना अलग अलग विजन लेके चलेंगे। वही बात जो मैंने कहा कि अब जैसे चल रही है और चलते चलते आप बोलोगे नहीं मैं बिरयानी को छोड़ूंगा, मैं निहारी जाऊंगा, वो असल में होता ही इसलिए क्योंकि यार वो बोलेगा कि उसका काम थे, अगर वो वाले काम मैं कर लूंगा तो सारा क्रेडिट उसको चल जाएगा। एग्जैक्टली 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 यही बात है। इसी तरीके से आपने देखा होगा रिसेंटली जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई, तो पहले सेहत कार्ड चला करता था, उन्होंने आपके साथ ही सेहत कार्ड जो था उसको इंजेक्ट कर दिया और बहुत सारे मुसाफिर खाने भी बंद कर दिए। हाँ, और ना सिर्फ ये हुआ बल्कि अच्छा अब उन्होंने क्या दूसरा तरीका कहने का मतलब उनकी पॉलिसी चेंज हुई, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैलरीज में इजाफा कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो कहने का मतलब वो अलग पॉलिसी के साथ आ गया, सही समझ रहे बात, समझिए अवाम के बेनिफिट्स के लिए जो है ना वो कोई कुछ कर नहीं रहा है, सीधी सीधी बात तो ये है घूम करके।